नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने शिमला मस्जिद मामले को लेकर हुए विवाद के बाद सर्वदलीय बैठक बुलाई। यह बैठक मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से बुलाई गई है। यह बैठक राज्य सचिवालय की समिति कक्ष में हुई। बैठक में भारतीय जनता पार्टी की ओर से हिमाचल बीजेपी के वरिष्ठ विधायक रणधीर शर्मा शामिल हुए। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर राज्य से बाहर हैं, ऐसे में वे इस बैठक में नहीं पहुंच सके। सर्वदलीय बैठक में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की ओर से पूर्व विधायक राकेश सिंघा और नगर निगम शिमला के पूर्व में संजय चौहान भी शामिल हो रहे हैं। बैठक में राज्य के सभी आला अधिकारी भी पहुंचे। इस बैठक में बुधवार को शिमला के संजौली में पैदा हुई गंभीर स्थिति को लेकर चर्चा हुई। साथ ही राज्य में सौहार्द बनाए रखने के साथ भविष्य के लिए बनाई जा रही वेंडर पॉलिसी को लेकर चर्चा हुई। राज्य सरकार ये चाहती है कि वह इस पूरे घटनाक्रम के बाद विपक्ष को भी कॉन्फिडेंस में लेकर चले। इस बैठक में राज्य सरकार की ओर से विपक्ष से भी राय मशविरा किया गया। शिमला के बाद मंडी में भी मस्जिद को लेकर ही गंभीर स्थिति पैदा हुई है। इसी तरह राज्य के अलग अलग हिस्सों से भी इसी तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। ऐसे में सभी जिलों में उपायुक्तों और जिला पुलिस अधीक्षकों को भी अलर्ट पर रहने के लिए आदेश दिए गए हैं। इस बीच राज्य सरकार विपक्ष को अपने साथ लेकर चलना चाहती है, ताकि इस गंभीर स्थिति में राजनीति से ऊपर उठकर एक सकारात्मक संदेश जनता तक जाए। आपको यहाँ ये भी बता दें कि इससे पहले हिमाचल प्रदेश में जब आपदा आई थी, तब भी विपक्षी दल भाजपा ने सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग उठाई थी। तब राज्य सरकार की ओर से कोई बैठक नहीं बुलाई गई थी। इसे लेकर विपक्ष ने सरकार को जमकर घेरा। अब राज्य सरकार इस पूरे मामले में कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती है, इसी वजह से इस बैठक को बुलाया गया। संजौली मस्जिद विवाद मामले में अब तक मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की भी कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। आज पहली बार सुखविंदर सिंह सुक्खू इस मामले को लेकर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए नजर आए। और अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में क्या राज्य में स्थिति को बेहतर करने के लिए हिमाचल प्रदेश की सरकार कोई बड़ा डिसीजन लेती हुई नजर आती है। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज।